हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आज के वीडियो में हम आईबीए मॉडल एजुकेशन लोन स्कीम को देखेंगे एजुकेशन लोन के लिए क्या स्कीम है इस स्कीम में मार्जिन सिक्योरिटी क्या ली जाएगी लोन सब्सिडी कितनी और किन्हें दी जाएगी जानेंगे इस वीडियो में पीडीएफ फाइल के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ आपको रिकोल्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस एजुकेशन लोन स्कीम स्कीम प्रिपेयर्ड बाय आईबीए एंड रिकमेंडेशन बाय आरजे कामनाथ कमेटी एजुकेशन लोन स्कीम को इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा प्रिपेयर किया गया था और आरजे कामनाथ कमेटी द्वारा रिकमेंड किया गया था मैक्सिमम अमाउंट टू बी क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर ट्वेंटी लाख एजुकेशन लोन स्कीम में 20 लाख रुपए तक के लोन को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कवर किया जाएगा यहां स्कीम में लोन कितनी भी अमाउंट का दिया जा सकता है किंतु 20 लाख रुपए तक के लोन को प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंतर्गत काउंट किया जाता है अर्लियर इट वॉज टेन लैक फॉर एजुकेशन इन इंडिया एंड ट्वेंटी स्टडी इन इंडिया के लिए लिमिट लाख थी स्टडी इन अब्रोड के लिए लिमिट बीस लाख रूपए थी अभी इसे दोनों में ही बीस लाख रूपए कर दिया गया है नेक्स्ट टाइम इस स्कीम में मार्जिन क्या होगा लोन अप टू फोर लाख नील यदि लोन का अमाउंट चार लाख रुपए से कम है तो मार्जिन नहीं लिया जाएगा है तो पांच परसेंट और एजुकेशन इन अब्रोड के लिए पंद्रह परसेंट लिया जाएगा मार्जिन को टोटल लोन अमाउंट पर लिया जाएगा यानी कि ऐसा नहीं होगा ,00 की चार लाख से ऊपर के अमाउंट पर मार्जिन लेना है अगर लोन चार लाख ,00 से ज्यादा है तो पूरे लोन अमाउंट पर मार्जिन लिया जाएगा नेक्स्ट रिपेमेंट पीरियड इन द स्कीम 15 ईयर प्लस मोरेटोरियम पीरियड एजुकेशन लोन में मोरिटोरियम पीरियड के बाद 15 साल का रिपेमेंट पीरियड रहेगा नेक्स्ट हम मॉरेटोरियम पीरियड को समझते हैं पीरियड ऑफ स्टडी प्लस इन केस ऑफ नॉन कंप्लीशन ऑफ स्टडी इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू ईयर किसी भी लोन में मोरेटोरियम पीरियड वह समय होता है जिस समय में बैंक द्वारा बोरोवर से इंस्टॉलमेंट की डिमांड नहीं की जाती है हालांकि अकाउंट में इंटरेस्ट लगाया जाएगा लेकिन बोरोवर से उसकी डिमांड नहीं की जाएगी मॉरेटोरियम पीरियड ख़त्म होने के बाद बोरोवर से उस इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल को इंस्टॉलमेंट में रिकवर किया जाता है एजुकेशन लोन में मोरेटोरियम एक साल प्लस कोर्स पीरियड रहेगा यानी कि जब तक कोर्स चलेगा और उसके बाद भी एक साल का समय दिया जाएगा ताकि इस समय के दौरान स्टूडेंट अपनी जॉब सर्च कर सके नेक्स्ट फिक्सेशन ऑफ ईएमआई डिसाइड ऑन बेसिस ऑफ प्रिंसिपल प्लस अक्यूर्ड इंटरेस्ट ड्यूरिंग मोरेटोरियम मोरेटोरियम पीरियड के बाद ईएमआई स्टार्ट की जाएगी ईएमआई में प्रिंसिपल और मोरेटोरियम पीरियड के दौरान लगाए गए इंटरेस्ट इन दोनों को ऐड करके ईएमआई को फिक्स किया जाएगा नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट बैंक डिस्क्रिशन नोट बिलो इंटरेस्ट ड्यूरिंग मोरिटोरियम इंटरेस्ट रेट बैंक द्वारा डिसाइड की जाएगी लेकिन एमसीएल से कम नहीं होगी मोरिटोरियम पीरियड के दौरान इंटरेस्ट लगाया जाएगा Next, में, के रूल्स क्या है पेरेंट्स टू बी को बोर इन ऑल लोन एजुकेशन लोन स्कीम में स्टूडेंट के पेरेंट्स को को बोर ओवर बनाया जा सकता है फोर लोन अप टू फोर लैक नो अदर सिक्योरिटी रिक्वायर्ड यदि लोन का अमाउंट चार लाख रुपए तक है तो कोई कोलेट्रल या थर्ड पार्टी गारंटी नहीं ली जाएगी लोन अबाउ फोर लैख टू थर्ड पार्टी गारंटी रिक्वायर्ड अगर लोन का अमाउंट चार लाख से ज्यादा और सात लाख पचास हजार रुपए तक है तो थर्ड पार्टी गारंटी ली जाएगी इफ लोन इज अबाउ सेवन पॉइंट फाइव लैख कोलेट्रल सिक्योरिटी टू बी टेकन यदि लोन का अमाउंट सात लाख पचास हजार रुपए से ज्यादा है तो कोलेट्रल सिक्योरिटी ली जा सकती है एजुकेशन लोन में किसी भी अमाउंट के लोन में पेरेंट्स को को बनाया जा सकता है मैरिड पर्सन के केस में को बनाया जा सकता है नेक्स्ट हम एजुकेशन देखते हैं सी एस आई एस का फुल फॉर्म सेंट्रल स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट सब्सिडी सी एस आई एस एजुकेशन लोन में सब्सिडी प्रोवाइड करती है नोडल बैंक एजेंसी केनरा बैंक स्कीम के लिए नोडल एजेंसी केनरा बैंक होगा यानी कि सब्सिडी से रिलेटेड सभी वर्क्स को वा बैंक द्वारा देखा जाएगा एजुकेशन लोन फॉर प्रोफेशनल कोर्स इन इंडिया इस स्कीम में उन एजुकेशन लोन को कवर किया जाएगा जो इंडिया में प्रोफेशनल कोर्स के लिए दिए जाएंगे नेक्स्ट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स पेरेंट्स एनुअल इनकम मैक्सिमम 4.5 पॉइंट फाइव स्कीम में उन स्टूडेंट को कवर किया जाएगा जो ईडब्ल्यू एस कैटेगरी से है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स को जिनके पेरेंट्स की एनुअल इनकम यानी कि सालाना इनकम चार लाख पचास हजार रूपए तक है नेक्स्ट कोर्स कवर्ड ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बाई रिकोग यूजीसी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज इस स्कीम में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जो कि किसी रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से किए जा रहे हैं उन्हें कवर किया जाए नेक्स्ट इस स्कीम में एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इफ एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स अपटू फोर पॉइंट फाइव लैख इफ एजुकेशन लोन अप टू सेवन पॉइंट फाइव लैख इस स्कीम में एलिजिबिलिटी के लिए पेरेंट्स की सालाना आय चार लाख पचास हजार रुपए से कम होनी चाहिए एजुकेशन लोन सात लाख पचास हजार रुपए तक होना चाहिए जहां ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी ऐसे स्टूडेंट्स को सी एस आई एस के अंतर्गत सवेंशन दिया जाएगा अमाउंट ऑफ सवेंशन हंड्रेड परसेंट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड विल बी री इम्बर्सड बाई गवर्नमेंट मोरेटोरियम पीरियड के दौरान जो इंटरेस्ट बैंक द्वारा चार्ज किया जाएगा उसे गवर्नमेंट द्वारा रिइम्बर्स किया जाएगा नेक्स्ट एजुकेशन लोन पढ़ो प्रदेश स्कीम एजुकेशन लोन स्कीम फॉर अब्रोड स्टडी पढ़ो प्रदेश स्कीम उन स्टूडेंट्स के लिए होगी जिनकी स्टडी अब्रोड में हो रही है यानी कि इंडिया से बाहर फॉर होम माइनॉरिटी कम्युनिटी स्टूडेंट यह स्कीम केवल माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के, के लिए होगी माइनॉरिटी कम्युनिटी में सिक्स रिलीजियस कम्युनिटी है मुस्लिम क्रिश्चियन सिख जैन बुद्धिस्ट पारसी इन सभी के स्टूडेंट्स के लिए यह स्कीम है नेक्स्ट पेरेंटियल इनकम मैक्सिमम सिक्स लाख पर एन पेरेंट्स की एनुअल इनकम का क्राइटेरिया यहाँ छह लाख रूपए सालाना से कम होना चाहिए कोर्स कवर्ड पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी एम इस स्कीम में पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी एच इत्यादि कोर्स को कवर किया जाता है मैक्सिमम लोन ट्वेंटी लाख मैक्सिमम लोन अमाउंट ट्वेंटी लाख रूपए तक को ही पडो प्रदेश स्कीम में कवर किया जाएगा सबवेंशन हंड्रेड परसेंट इंटरेस्ट चार्ज ड्यूरिंग मोरेटोरियम इस स्कीम में मोरेटोरियम के दौरान बैंक द्वारा चार्ज किए गए पूरे इंटरेस्ट अमाउंट का रिमबर्स किया जाता है इस स्कीम में गर्ल्स के लिए थर्टी फाइव परसेंट सीट को रिजर्व रखा गया है नेक्स्ट हम डॉक्टर अंबेडकर स्कीम को देखते हैं एजुकेशन लोन स्कीम फॉर अब्रोड स्टडी डॉक्टर अंबेडकर स्कीम भी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इंडिया से बाहर यानी कि अब्रोड से एजुकेशन के लिए लोन लिया है फॉर होम ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास इस स्कीम में ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट एंड ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट को एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाएगा कोर्स कवर्ड पोस्ट ग्रेजुएट पी एच डी एम फिल स्कीम में पोस्ट ग्रेजुएट एम फिल

जिनके पेरेंट्स की सालाना इनकम आठ लाख रुपए से कम है ईडब्लू में उन स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा जिनके पेरेंट्स की इनकम पाँच लाख रुपए से कम है सबवेंशन हंड्रेड परसेंट इंटरेस्ट चार्ज ड्यूरिंग मॉरेटोरियम डॉक्टर अम्बेडकर स्कीम में इलिजिबल स्टूडेंट को सबवेंशन के रूप में लोन के मॉरेटोरियम पीरियड में जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया है उसे गवर्नमेंट द्वारा रीमबर्स किया जाएगा फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में आई मॉडल एजुकेशन लोन देश सी एस आई एस स्कीम डॉक्टर अम्बेडकर स्कीम को देखा जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिकॉर्ड क्वेश्चन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो